में रहिए। सही बात है, संगति अच्छा रखिए, ठीक है, असर होता है, उसका न्यूरोसाइंस में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जिसके साथ आप रहेंगे, तो बड़े बुजुर्ग बोल के गए इतने टाइम, मतलब टाइमलेस चीज बोल के गए, तो ऐसे ही थोड़ी हम लोग का पूर्वज लोग माथा खपाया होगा और बोला होगा, कुछ सच्चाई होगी, कुछ नहीं, बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके दोस्त कैसे हैं, अगर मतलब बोला जाता है शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल हु यू आर, एक और लाइन है शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू बिकम। तो अपने साथ ना मतलब दो तीन ग्रुप रख लो सबको अलग अलग, पार्टी करने के लिए, पढ़ने के लिए, और ऐसे ही बिचिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से कर लो, बहुत सही रहता है। इन लोगों को आपस में मिलने मत देना, ठीक है, बस बी सीरियस। और बॉयज़ लोग ये बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, और लड़कियाँ मैनेज ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है, ज़्यादा छुपाने में। बॉयज़ लोग ठीक है, चिल रहता है इसमें। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इनवर्टिब्रेट्स देख रहे थे, लास्ट फाइलम या लास्ट संग, दैट इज एकाइनोडर्माटा। तो हम लोग देखे थे पर्ल फॉर्मेशन, हम लोग देख चुके थे, और इसके बाद जो लास्ट आपका फाइलम आता है, दैट इज नाइन्थ फाइलम या नौवां संग, वो है काइनोडर्माटा। ये कैसे होते हैं भाई, इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। स्पेशली याद रखिएगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, वस्कुलर क्या होता है, जब भी आप नस के बारे में बात करते हैं ना, उसको वस्कुलर बोलते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब इसका हिंदी क्या होता है, जल संवहन तंत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो एकाइनोडर्माटा में, ठीक है। और इस जगत में एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश। और सी अर्चिन सुना है, सी अर्चिन हम लोग सुने नहीं है और ना ही हम लोग देखे हैं, लेकिन ये ना जापान में बहुत खाया जाता है, सिंगापुर में भी खाया जाता है। कैसा कांटेदार होता है, और वो लगेगा कि कांटे का गोला है, लेकिन उसको बीच से चीरोगे तो उसमें से येलो लिक्विड निकलेगा, वो एक प्राणी होता है वो, ठीक है। और ये इसका जो लार्वा होता है, मतलब जब ये जन्म देता है, तो इसी का एकमात्र लार्वा है जो खाता नहीं है, कुछ भी खाना नहीं खाएगा, ठीक है, ऐसे इतना डीप नहीं पूछेगा, जब तक कि इसका इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, तैरते हुए जब तक उसको कोई सरफेस में जाके वो टिकेगा नहीं, तब तक ये खाएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। या जब तक वो, देखिए दो तरीके से डेवलपमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, अगर कोई जीव अपने ही जैसा दिखने वाला शिशु को जन्म देता हो तो वो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट, लेकिन जो अपने जैसा नहीं उसके बीच में लार्वा हो, जैसे कि मेढक, मेढक का बच्चा को देखिएगा तो कैसा रहता है, वो तैरता है, मेढक तैरता है, तैरता है, लेकिन क्या मेढक के पास पूंछ होता है, नहीं होता है। लेकिन मेढक का टैडपोल देखिएगा तो कैसा होता है, पानी में स्विम कर रहा होता है, मछली जैसा दिखेगा वो। तो वो और मेढक दोनों में कोई समानता दिख रही है, तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कि पहले एक ऐसा स्टेज आएगा जो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अपने पैदा करने वाले से एकदम भिन्न होगा, और फिर तब जाके बाद में कुछ दिनों के बाद वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखेगा, तो इसी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया था अगेन, ये MPPSC में पूछा था कि इसमें से कौन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। अब जिसको पता ही नहीं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो क्या लिखेगा,
नहीं कुछ लिख पाएगा। तो कभी कभी किसी किसी जीव में जो डेवलपमेंट होता है वो दो तीन स्टेजेस पे होता है। तीन चार लार्वा का फॉर्म होता है, उसके बाद वो वयस्क जैसा दिख, मतलब जो पेरेंट्स है वैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल तितली को ले लीजिए, ठीक है, बटरफ्लाई या सिल्क वॉर्म को ले लीजिए, ठीक है, कैसा होगा? पहले कुकून बनाएगा। तसर सिल्क जानते हैं ना, झारखंड इसके लिए फेमस है। तसर सिल्क क्या बोलते हैं? अच्छा, मुगा सिल्क क्या होता है? झारखंड में कौन सा मिलता है? हाँ, तसर सेंटर कहाँ है? नगड़ी में, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका सेंटर है? एक सिमडेगा में भी सेंटर है इसका, ठीक है। हाँ, नामकुम में भी है। नामकुम CTRTI, सेंट्रल तसर सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जितने साइंटिस्ट लोग हैं दे आर वर्किंग ऑन सिल्क। वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? वहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर प्रोफेसर प्रभु है ना, ही इज़ वर्किंग ऑन सिल्क वर्म कि उसके DNA को ऐसा एनहेंस कर दो कि वो जो सिल्क का थ्रेड बना रहा है वो और फाइनर क्वालिटी का हो। और वो जो सिल्क है वो जानते हो क्या है? पूछेगा कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि विटामिन है कि क्या है? जो सिल्क का साड़ी पहने हो क्या पहने हो बताओ? जानवर प्रोड्यूस कर रहा है उसको, तो कुछ वो क्या, कौन सा पॉलीमर है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन होता है वो। तो तुम क्या पहने हो? अब मत बोलना हम सिल्क की साड़ी पहने हैं या हम सिल्क की साड़ी अपनी मम्मी को दे रहे हैं। बोलना हम मम्मी को जो सिल्क का जो होता है ना प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। हम भी बोला, सब लोग हमको बोला कि क्या चीज़ चाहिए तुमको? हमको बीटा शीट चाहिए, कलरफुल बीटा शीट। क्यों? उसमें भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रोटीन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको पढ़ाएंगे अल्फा शीट क्या होता है, अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, डीप नहीं जाना है, बस बता देंगे ऊपर, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो वो सिल्क प्रोटीन होता है। प्रोटीन के भी वेरियस फॉर्म्स होते हैं, ठीक। बाल में क्या है? तो केराटीन है ना। तो उसको हम लोग आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे? अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़िएगा तब तो मजा आएगा, है ना। तो वी विल स्टार्ट ये आज एक और बस ये क्लास है। मंडे को एक और क्लास होगी जहाँ सम अप कर देंगे वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स। ट्यूजडे से चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ओके। अगला वीक से मिस मत करिएगा क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये आप बेसिस आपका बन गया है। सारे ऑर्गेनिज्म को आप जान गए ना, देखिए यही 10-12 क्लास में आप जान गए, पूरे जीव जंतु जान गए। कॉन्सेप्ट बना है कुछ भी बना है कॉन्सेप्ट? सच बोलना है। हाँ, तो बस अब देखो आंसर राइटिंग के लिए या फिर जब क्वेश्चंस बनाओगे, जो क्वेश्चन से तुम डर रहे होगे वो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, इकाइनोडर्माटा हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आप लोग सबको स्लाइड्स मिल चुकी है ना। आज हम स्लाइड्स और बना देंगे, जो मंडे को पढ़ाना है वो भी हम आज ही भेज देंगे, ठीक। सैटरडे संडे बस उसको देख के आइएगा, ठीक। सब NCERT से, कहीं और कहीं नहीं जाना है। NCERT इनफ है और मेरी क्लास इनफ है, मिला के लिख लीजिए, वैसा आंसर आप करिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है? स्टार फिश को आप देख ही रहे हैं कैसा है। तो भाई इसमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है। इसको भी 20 से काट दीजिएगा तो मर जाएगा, सिर्फ आर्म्स काटिएगा ना। अगर आर्म्स कट हो जाता है तो ये स्टार फिश नया आर्म बना लेती है। इसमें भी रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजनरेशन कैपेसिटी को हिंदी में क्या लिखेंगे? पुनर्निर्माण, हाँ ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। किसमें? फ्लैटवर्म्स में, और इसमें भी होती है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
कैसा दिखता है? तो इकाइनोडर्माटा फिर से अगेन ये एक्वेटिक होता है, जलीय प्राणी है ये, है ना, जल में ही मिलेगा, ठीक, और बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़े देर के लिए रह सकता है बाहर जिंदा, लेकिन इसको पानी चाहिए, ठीक है। जैसे आप हैं, आप पानी में अंदर कितने देर के लिए डुबकी लगा सकते हैं? एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट? पाँच मिनट तो नहीं टिकेगा, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप बोलेगा, अरे आप तो पानी में भी मिल रहे हैं, स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हैं, तो बोलेगा अरे ये तो पानी में भी मिलता है, ऐसा थोड़ी है। उसी तरह स्टार फिश थोड़े देर के लिए तट पर आती है, लेकिन वापस वो जल में चली जाती है, है ना। चलिए, इसमें से ये जल संवहन तंत्र किसके लिए होता है? भोजन पकड़ने में मदद करता है। कैसा होता है देखिए, समझिएगा। ये रहा स्टारफिश, ठीक है, बहुत बहुत क्यूट दिखता है और ये हार्मलेस है, इसको आप तट पे पकड़ सकते हैं, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता है। कुछ स्पीसीज में होता है, वो देख के पहचाना जा सकता है। जो एक्वेरियम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर एक्वेरियम, वही अगेन सिंगापुर में, वहाँ पे आपको एक सेक्शन होता है जहाँ पे टैंक में पानी भर दिया जाता है और उसमें स्टार फिश होती है और आप उसको छू सकते हैं। हमने वो काम किया है, ठीक है, हम लाए नहीं वीडियो, बट वो आप कर सकते हैं। तो और मतलब इतने लोग उसको टच कर रहे होंगे, छोटे बच्चे जाके उसको टच कर रहे हैं, तो बताइए स्टार फिश का क्या हो रहा होगा? हेल्थ डिटोरिएट करेगा, करेगा ना। अब आप ही को कोई देखने के लिए आ जाए, अब बार बार ऐसे उल्टा उल्टा लटका के देखे तो आपको स्ट्रेस होगा कि नहीं? तो वहाँ पे भी उसके लिए भी इंतज़ाम करके रखता है। इंडियन जैसा, इंडिया जैसा नहीं कि जानवर है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको टच करने के लिए दिया जाता है और उसके बाद उसको उस सेक्शन को एक दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाता है कि स्टारफिश जो स्ट्रेस से बेचारा सदमे से बाहर निकल जाए। फिर वहाँ पे छोटे बच्चे जो है वो उसको चेक करते हैं, बड़े भी, मतलब हम भी टच किए थे उसको, तो ये अलाउ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाके मेरे लिए क्या काम था, मैंने देखा ये इसी को ट्यूब फिट बोलते हैं, ट्यूब फिट मतलब फीट, फीट फीट मतलब पैर, तो ये छोटा छोटा पैर है इसका, ठीक है, ये सतह से चिपक के रहता है, ठीक, और चलने में भी इसको मदद करता है। इसी के अंदर आपको वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलेगा। देखिए इसके पास कोई नस वगैरह तो है नहीं, तो देखिए इसके पास कैसे पानी ही तो घुसना है इसमें। ये देखिए ऐसा रहता है, ठीक है। अब यहाँ सेंटर में इसका एनस है, यहाँ से फूड जो भी ये खाया है निकालता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसी फीट, इसी आर्म में रहता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा है, और इसी के साथ में ये देखिए वाटर वस्कुलर सिस्टम नहीं दिखा है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना अंदर में, ये पूरा वाटर वस्कुलर सिस्टम है। पानी अंदर जाएगा, उसी पानी से छटते हुए जो भी उसमें ऑर्गेनिज्म आया वो उसको ले लेगा और फिर वाटर को वो निकाल देगा। तो स्टारफिश ऐसा होता है और ये बहुत जगह खाया भी जाता है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो यस, यहीं तक था हमारा इकाइनोडर्माटा। आप इसमें क्या लिखेंगे? पहला जो सिर्फ आप लोग अपने एग्ज़ाम से समझिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कॉलेज में हम जब पढ़ाते हैं तो ये 5-6 दिन चलता है सिर्फ स्टारफिश, 5-6 दिन, वो भी स्पीड ट्रैक में। एक एक सिस्टम आपको पढ़ना होता है, कैसे सांस लेता है, कैसे प्रजनन कर रहा है, कितने इसमें लार्वा होते हैं, इसके लार्वल स्टेजेस क्या है, ये सारे चीज़ इसको पढ़ना होता है। तो आपको अपनी दृष्टि से पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? वाटर वस्कुलर सिस्टम, वो नोट करके रखेंगे। किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्माटा में। और वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम बताया था ना, ऑस्टिया से पानी घुसा, ऑस्क्यूलम से निकला, उसको कैनाल सिस्टम बोले, और इसको क्या बोले? वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ऐसे ये नीट में पूछा था अभी जो हुआ, तो आपके काम का नहीं है, पर ध्यान रखिएगा हर एक जीव का कुछ एक स्पेशलिटी है, उसको नोट करके रखिएगा। वाटर वस्कुलर सिस्टम याद रखिएगा, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे
बिना रीढ़ के सभी जीव को हम लोग ने कवर कर लिया। ठीक है, क्या क्या कवर किया है एक बार समाप्त करते हैं। पहला क्या है, पॉरीफेरा। ठीक है, ये कैसा होता है, जलीय होता है या जमीन पे मिलता है? जलीय होता है। क्या इसके पास नर्वस सिस्टम होता है? नहीं होता है। और इस और कैसा दिखता है, ये चलता फिरता है, चलायमान है? नहीं, अचलायमान है। ठीक है, और बस हाँ, छिद्र होते हैं इसके पास जिससे पानी घुसता है और बड़े वाले छेद से ऑस्क्यूलम से निकल जाता है जिसे ये अपना खाना खाता है। अगर वाटर के फ्लो में कुछ गड़बड़ी हुई तो इसको खाना नहीं मिलेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, इसी को वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्यों, ओस्टिया से ऑस्क्यूलम पानी घुस रहा है और उसी में जीव जंतु जो छन के आ रहे हैं वो उसका सेवन करता है और जीवित रहता है। लिख लिए, जहाँ जहाँ अपना कॉपी पलटिए, जो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं, और ये फेरा है तो। ठीक है, और क्या है, नहीं नहीं अरे पॉरीफेरा अभी खत्म कहाँ हुआ है। उदाहरण के तौर पे सारे इसमें जो जीव आते हैं उसको स्पंज बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस। अब एग्जांपल उदाहरण याद करने की साइफा है और क्या क्या है उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस स्पंज लिख दीजिएगा। हिंदी में भी स्पंज लिखा हुआ था, आप देखे होंगे एनसीईआरटी का जो हम लेके आए हैं, स्पंज लिखा हुआ है ना, तो वही लिखिएगा स्पंज। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट है ना, हाँ अध बहुकोशीय, इसका क्या मीनिंग हुआ, मल्टी सेलुलर। अध मतलब क्या हुआ, आधा बहुकोशी के, कहाँ से पढ़े, नहीं अध नहीं था, पहला पशु जो कि बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय पहला जीव जो कि बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, ये भी लाइन लिखे, आप इंट्रोडक्शन में ही इसको लिख सकते हैं कि पहला पशु जो बहुकोशिकीय है। ठीक है, आद्य, अच्छा आद्य, अच्छा ओके ओके, आदि मतलब पुराना ना, अच्छा ठीक है, दिखाना कहाँ लिखा हुआ, अच्छा हाँ मतलब बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है ना, ये सबसे पहला पशु यही आया था। ठीक, अब चलिए, मतलब प्रोटोजोआ के बाद सिंगल सेल का पहले पशु बनाया गया, सिंगल सेल का पशु किसको बोलेंगे, प्रोटोजोआ को, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या, उसी से बहुत सारी बीमारी होती है, क्या क्या होती है, जियार्डिया, अमीबा है, अमीबियासिस है, लेशमानिया डोनविनी है जिसे काला अजर होता है, ये सब क्या है, छोटे छोटे पशु, एक कोशिकीय पशु जो प्रोटिस्ट में आते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आप इसको लिखते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होता है ना उसी को बोलते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं उसी को बोलते हैं जू प्लैंकटन, नाम सुना है, जू प्लैंकटन, स्पेलिंग लिख दें, जू प्लैंकटन, इसमें मत लिखिएगा बस बता रहे हैं, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, प्लैंकटन मतलब होता है बहुत छोटा, इसमें जू प्लैंकटन और एक होता है फाइटोप्लैंकटन, फाइटो इज फॉर प्लांट, प्लैंकटन मतलब छोटा, जू मतलब एनिमल, प्लैंकटन मतलब छोटा है। ठीक है, छोटे छोटे जो मतलब वो सारे पूरे ग्रुप को जैसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स बोल रहे हैं उसके जगह हम क्या बोल सकते हैं, जू प्लैंकटन। ठीक है, ये इकोसिस्टम में पढ़ना होगा, सिर्फ नाम देख लीजिए, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, एक बार कोई क्रॉस चेक करके बताएगा, अजय बताओगे, ठीक है पढ़े हो, सुने हो ये नाम, फाइटोप्लैंकटन जानते हो, जू प्लैंकटन नहीं, अच्छा मतलब फाइटोप्लैंकटन क्या जानते हो, जा क्या, वाटर
वो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हुए ना उसको आप फाइटोप्लैंकटन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मछलियों का खाना के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उसको आप ज़ूप्लैंकटन बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसको स्पेशली इसलिए नहीं बोला जाता ना, क्योंकि जो और भी छोटे छोटे जीव हैं, या पौधे के जैसा दिखने वाला या जानवर के जैसा दिखने वाला, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बट समझ लीजिए प्रोटिस्ट जो है उसी में ज़ूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ना वहाँ पे कि ये हम लोग फिशरीज़ में, एक्वा कल्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, मछली उत्पादन में इसका इस्तेमाल करते हैं। कन्फ्यूज़ हो गए क्या संदीप? नहीं ना, ठीक है, जा रहा है, घुस रहा है, ठीक है। एंटीना ठीक है? ठीक है। मदन रिसीव कर रहे हो ना? ठीक है, अच्छा चलो। तो ये नाम जान लीजिएगा, ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस में जो सेक्शन डी है उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अजय आप देख के लाइएगा। चलिए अब क्या आ गया, पॉरीफेरा के बारे में इतना लिख दिए, अब उसके बाद क्या लिखे, एक और चीज़। बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियाई सभ्यता में इसके कंकाल को शादी ब्याह में दिया जाता है, ये बहुत कीमती होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, कितना हो गया, एक पैराग्राफ हो गया कि नहीं, आराम से हो गया, एक पेज लिख दोगे, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो भी लिखोगे तो हो जाएगा। और एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, पहला पशु जो अचलयमान है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाइए निडेरिया, निडेरिया के बारे में बोलिएगा, ये पहला जानवर है जिसमें नर्वस सिस्टम या सेंस करने की क्षमता पाई जाती है। दूसरा क्या लिखिएगा, चलयमान भी होता है या अचलयमान भी होता है, और इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है कि एक पीढ़ी अगर चलयमान है तो अगली पीढ़ी अचलयमान होती है। एग्जाम्पल ओबेलिया में, हाइड्रा में नहीं, ओबेलिया में खाली ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल हाइड्रा, सी एनिमॉन, जेलीफिश, सी पेन, समुद्री कलम, है ना। तो ये सब आप लिख दिए, अब फिर क्या बताए इसके बारे में। हाँ वो लिख सकते हैं कि हाइड्रा के बारे में कि नर्व नेट पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो कहीं भी टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, और इससे क्या होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, और डायग्राम में एग्जांपल उदाहरण के तौर पे हाइड्रा दे दिए। और क्या लिखिएगा, पॉलिप और मेडूसा, वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या इसके लिए हिंदी वर्ड था, कुछ था इसके लिए, है ना, कोई बताएं। भाई सब गायब हो गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ आप लोग को लिखवाए थे, ये देखिए यहाँ दिए हैं पढ़ने के लिए, इसको ध्यान दीजिए। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, लिखा हुआ है ना, इसी का हिंदी रूप भी दिए, इसको क्या बोलेंगे देखिए, हिंदी दिया हुआ है नहीं, जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए, जल परिवहन तथा नाल तंत्र, ठीक है, हो गया। किससे घुस रहा है, तो ऑस्टिया से, और स्पॉन्जोस और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहा है, देखिए ऑस्क्यूलम लिखा हुआ है, कंप्लीट हो गया,
नोट कर लिए, नोट करवा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, रुक के लिख लीजिए, जो भी पढ़ा है उसको समा रहे हैं। कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है? पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह उठ के अभी सबसे पहला काम अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, रिवीजन करना है, नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सुबह में एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। हम लोग सुबह में जैसे ही उठते हैं तो अल्फ़ा वेव्स हाइटेंड होता है, आपको बताया था डिटेल में, ठीक है? वो सबसे अच्छा टाइम होता है साधना का, फोकस का। थोड़ा सा ध्यान करने के बाद सीधे पढ़ने बैठ जाओ, ब्रश वश छोड़ो, सीधे किताब खोलो, पढ़ो। मेरा यही रहता है रूटीन, ठीक है? पहले पढ़ लो नया चीज़, मतलब रिवीजन कर लो। मेरे टीचर को तो पढ़ना होगा ना, मेरे लिए तो सब रिवीजन ही है। तुम लोग के लिए क्या है? रिवीजन। जो भी पिछले दिन पढ़ाया गया पहले तो उसको शाम में जाके एक बार पढ़ लो, तो शायद हो सकता है आधा घंटा एक घंटा लगे, लेकिन जब कल सुबह पढ़ोगे उसको तो हो सकता है 20 मिनट लगे। फिर अगले दिन क्या करो? फिर से शुरू करो रिवीजन में, तो देखना शायद 5 ही मिनट लगेगा। और उसके बाद ये डेली प्रैक्टिस करते जाओगे, 1 मिनट में से हाँ हाँ देख ली, इस पंच में ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से होने लगेगा। एंड दैट इज़ हाउ आई मेंटेन माय होल स्कूल टाइम। ठीक है, हम टॉप रैंक तो नहीं लाते थे बट अंडर 10 जरूर रहते थे। ठीक है, उतना भी हंगर नहीं रखना है कि फर्स्ट रैंक लाना ही है, आ गया तो ठीक है, लेकिन टॉप 10 में रहो या उस टाइप से एटीट्यूड रखो कि हाँ हम भी अगर JPSC निकालेंगे तो टॉप लेवल का सर्विस निकालना है, जस्ट खाना पूर्ति नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पसंद का आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगा। ठीक, तो सुबह उठ के करिए इसको रिवीजन, आज जाके भी कर लीजिएगा। ठीक है, स्पंजेस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में हो गया ख़त्म, और तो नहीं जानकारी चाहिए। अगला निडेरियंस, निडेरियंस या हिंदी में नाइडेरिया, नाइडेरिया। नोट्स लिखा रहे हैं जी, नोट्स नोट्स बहुत करते हो तुम लोग। देखो अब इसमें बहुत कुछ है, हाइपोस्टोम, ये वो, अधोमुख, ये सब नहीं याद करना है, लेकिन कोरल, प्रवाल को ही कोरल कहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है नाइडेरिया के बारे में पहले लिखेंगे कि इसमें पहली बार नर्व नेट, तंत्र तंत्रिका का प्राचीन रूप मिलता है, नर्व नेट मिलता है। देख लीजिएगा नर्व नेट को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नर्व का जाल। हाँ ठीक है, नर्व जाल मिलता है, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है इसके पास? नाइडोब्लास्ट, जो इसके पास स्पाइन होता है जिससे ये अपने डिफेंस के लिए क्या रखा है, नाइडोब्लास्ट, जैसे विप करेगा और वापस ले आएगा आसपास, जैसे बेचारा पॉरीफेरा था उसके पास कोई डिफेंस का तरीका नहीं था, तो उसको मछली आती थी नोच ओच के चल जाती थी, उसको फर्क नहीं पड़ा है, बेचारा ऐसे ही है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? बहुत सारी प्रजातियाँ थी पॉरीफेरा की, अब कुछ ही बची हैं, ठीक है, बहुत कम स्पीसीज है बचा हुआ, और भी होगा, फॉसिल स्टडी किया जाता है। एनीवेज, तो ये देखें दंश कोरक, नाइडोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? दंश कोरक। ठीक है, अपनी रक्षा या शिकार के लिए यूज़ करता है, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। ठीक है, नाइडोब्लास्ट नीचे कहीं डायग्राम इसमें नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे स्लैश करने के लिए, जैसे देखो ये सब इसका नाइडोब्लास्ट है, ये देखो ये रहा नाइडोब्लास्ट, ठीक है, मारेगा इसी से। ठीक, चलिए और क्या है, लिख लिए, और क्या लिख सकते हैं इसमें? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एकांतरण, ठीक है, क्या है उसमें, बताओ प्रतिमा, पीढ़ी एकांतरण, यही है ना, पीढ़ी एकांतरण बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, तो पीढ़ी एकांतरण नोटिस किया गया, मतलब पाया जाता है, देखा जाता है।
पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंग्लिश वाले लिखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। एक अगर स्थिर है तो उसका जो बच्चा होगा वो फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है। जो स्थिर होता है उसी को पॉलिप बोलते हैं, जो मूव करता है उसको मेडूसा बोलते हैं। और ये जो पॉलिप होता है ना, ये जब मर जाता है पॉलिप, ये बनाता है कोरल, समझे। मूंगा कौन कौन पहना है, ये सब कोई पहनता है, कोई कोई तो पहना है, फ्रंट बेंच पे कोई पहना है, कौन पहना है मूंगा, वो अंगूठी अंगूठी होता है ना, कौन पहना है, तो अभी पहनती है अंगूठी, पहनी हो, हाँ कैसा होता है, लाल दिख रहा है, लाल होता है ना, तो क्यों वो, तुम क्या पहनी हो, तुम निडेरी पहनी हो, ठीक है। बेचारा का कंकाल पहन के घूम रही हूँ, हम भी पहने हैं बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन इसमें कोई जानवर नहीं है, मूंगा हम पहने थे, बेचारा कहीं रखा हुआ होगा उसका कंकाल। तो देखिए ये भी इसमें बोल सकते हैं कि कोरल जो होता है, यहाँ से हम लोग बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, निडेरिया का जो कंकाल सूख जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उससे बेहतर होगा कि वो पॉइंट छोड़ के आप लिखिए कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ को समुद्र का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। निडेरिया का पॉलिप जब कोरल रीफ, रीफ कैसे लिखेगा, सुनिए ध्यान से, निडेरिया जो है ऐसे लिखेगा कि निडेरिया इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए निडेरिया संघ जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मरणोपरांत अपना कंकाल छोड़ जाता है, ये मरणोपरांत अपना कंकाल छोड़ जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये बड़ी संख्या में अच्छा इंग्लिश वाले हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, वेट ये बड़ी संख्या में जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ये जब बड़ी संख्या में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, इंग्लिश वाले पेशेंस रखो, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो ये रीफ नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कोरल रीफ कहते हैं। रीफ नुमा, रीफ क्या होता है, बहुत सारा पहाड़ एक साथ है ना, तो वो ऐसा उसको रीफ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोरल रीफ। रीफ को हिंदी में कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा री और फ और ऐसे रीफ, ठीक है, रीफ, रीफ नहीं होगा, रीफ होगा ना, बड़ी ही होगा, रीफ नहीं, रीफ होगा, हाँ रीफ, ठीक है, रीफ, ठीक है। रीफ है ना, क्या हुआ, टेंशन हो गया, सब ठीक है ना, ठीक। तो अब देखिए, अब इसी के बारे में जब आप अपना नोट्स और बढ़ा रहे होंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं, आज विश्व भर में कोरल रीफ को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद की जा रही है। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा पौंडीचेरी और महाराष्ट्र का कि नेचुरल रीफ ध्वस्त होने के कारण आर्टिफिशियल रीफ डालने की ज़रूरत पड़ रही है जिससे जलीय इकोसिस्टम बचाया जा सके, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ये ऐड कर लीजिए अपने भाषा में, समझा दिए, लिख लीजिए अपने भाषा में और चेक करा लीजिएगा मंडे को सब लोग, अपनी भाषा में लिखिए। और मान लीजिए छूट जा रहा है ना,
तो पीछे जो जो तेज लोग हैं ना, उन लोगों का कॉपी झांक झांक के घूम के 5 मिनट का ब्रेक में आ जाए, प्रतिमा पानी पीने जाएगा, मदन पानी पीने जाएगा, सबका कॉपी छीन लीजिएगा, झांक वाक के फिर लिखिएगा। संदीप बहुत अच्छा लिखता है, और देखो एकदम छोटा छोटा लिख के अटा रहा है एक ही जगह पे चीटी जैसा। अंग्रेजी वाले लिखिए, निडेरियंस हैव नाइडोब्लास्ट फॉर डिफेंस एंड हंटिंग। निडेरियंस हैव नाइडोब्लास्ट फॉर डिफेंस एंड हंटिंग। क्या हुआ, आपको तकलीफ हो गई, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिख पा रहे हैं? लिख ली, समझ आया है? ठीक है, दिक्कत होगा प्रतिमा, अजय थोड़ा देख लो, ठीक है। आप हेल्प मांगिए, सुनिए एक और चीज़ हम आप लोग को बोल दे रहे हैं, हम लोग के जितने पूर्वज थे ना, सब बहुत संगठित थे, ठीक है। एक पूरा कस्बा एक साथ चलता था, और इस रूम में अगर बैठे हुए आप सोच रहे होंगे ना कि आप लोग सब अपना कॉम्पिटिटर हैं, तो आप लोग गलत हैं। आंदोलन के लिए एक संघ होना बहुत ज़रूरी है। हम भड़का नहीं रहे हैं आपको, हम बता दे रहे हैं, हम लोग JNU में 30 बच्चे सेलेक्ट होके गए थे। आज जो हम संस्था बनाए हैं ना, मेरे JNU के जो जितने भी क्लासमेट या सीनियर और जूनियर हैं ना, सब दिमाग लगा के उसको बनाए हैं। जो भी लोग को कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग रख रहे हैं उनको, मौका दे रहे हैं कि तुम नीचे वाले को पढ़ाओ। अरे क्या है, NGO है वो, उसमें उसके बाद क्या हो रहा है? आपको सरकारी जॉब लगी तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग वहाँ सींच रहे हैं। तो अगर यहाँ पे भी आपके लिए, आप लोग सबके लिए किया गया ये इंतजाम, ठीक है, आदिवासी सभ्यता जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, और इतना पीछे ढकेल दिया गया है ना कि आज हम नहीं देख पाते हैं, कि कॉन्फिडेंट लोग हम नहीं देख पाते हैं। अगर आप अपने ही सहपाठी का मदद नहीं कर पाए, तो आपके जैसा चोर व्यक्ति कोई नहीं होगा, तब बेकार है पढ़ना। हमको क्या है, भी चले जाए फॉरेन, पैकेज उठाए, 55 तो मिल ही रहा है लाख, क्या ज़रूरत है? समझिए इस चीज़ को, हर चीज़ पैसा के लिए नहीं होता। आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, अगर अभी ही ये चीज़, और ये भी जान लीजिए, हर किया गया मदद वो किसी न किसी रूप में लौट के आता है। आपस में संगठित रहिए, यही तो है ट्रिक, यही ट्रिक है कि आपको बढ़ने नहीं देना है। कितने लोग, कितने आदिवासी हैं झारखंड में? सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ हैं? रांची। कितना लोग दिख रहे हैं यहाँ? इतना ही लोग दिख रहा है ना? नहीं, हम कह रहे कितना लोग दिख रहा है यहाँ, पूरा सीट नहीं भरा है। आप कितने लोग को जानते होंगे? आपके घर परिवार में भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग कहे नहीं उन लोग को इंडिकेशन दिए, उन लोग से लड़ाई है? सीट भरा हुआ होना चाहिए था बाबू, हाँ भरा हुआ होना चाहिए था सीट। आप लोग अपने आप को टटोल के देखिए, संगठित रहिए, कहने का मतलब है एक दूसरे की मदद करिए। यहाँ जो कमज़ोर बालक लोग हैं, उन लोग का जो मजबूत हो गए हैं, थोड़ा सा समय, ये नहीं कि उन लोग को मजबूत करने लगे, उनका मेंस एग्ज़ाम चला गया, समझे प्रतिमा, थोड़ा ही बोल सकती हो, ठीक है, और तभी मदद करना जब वो मदद के लिए आए। तो जो भी सेक्शन कमज़ोर है अभी नहीं कर पा रहा है, वो लोग जो तेज बच्चों का नाम हम ले रहे हैं क्लास में, ऐसा नहीं तुम लोग सब तेज हो, यहाँ हमको दिखती है ये बच्ची स्मार्ट लगती है कि सब चीज़ लिखती है, जानती है, लेकिन मेहनत नहीं कर रही। खुशबू भी बहुत तेज है, पीटी निकाली ऑफ कोर्स, पीछे वाली भी बेचारी नींद आता रहता है फिर भी आती है क्लास में, हम बहुत खुश रहते हैं इस पर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सोनाली, शिवानी, ओहो शिवानी। तो कहने का मतलब है एक दूसरे की मदद करिए, यहाँ कॉम्पिटिशन मत रखिए प्लीज़। हम देखेंगे इस क्लास में एकता देखेंगे, हम कितना देख पाएंगे? हाँ बहुत जल्दी एकता दिखना चाहिए, ठीक है। अब घूम घूम के बैठिए आप लोग, समझ रहे हैं, सब अपना अपना बना लिया है, जो जो तेज लोग एक साथ बैठ जा रहा है,
थोड़ा सा बेचारा इन लोग को भी देख दो, है ना। हम नहीं कह रहे कि आप लोग क्लास में कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग संकोची हैं, हैं कि नहीं, सही बताइए, कितना संकोची हैं, हैं? संकोच छोड़िए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं देखने को मिलेगा इस क्लास में एकता, ठीक है। चलिए, नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट इज यूज फॉर डिफेंस एंड हंटिंग, अंग्रेजी वाले। और फिर क्या लिखे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व्ड, वन जनरेशन इज सेसाइल, सेसाइल सेसाइल मतलब नो मूवमेंट, सेसाइल नो मूवमेंट कैसा है, सेसाइल है, तो इसको क्या हो गया, ये पॉलिप। एंड अदर जनरेशन इज मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवमेंट, मोटाइल MOTILE मोटाइल, तो मेडूसा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे कि व्हेन द नाइडोब्लास्ट डाइज इट लीव्स इट्स स्केल्टन, व्हेन निडेरियस डाइज इट लीव्स स्केल्टन विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट सर्व्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, एंड इट सर्व्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। फिर लिखेंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड देर आर मैनी एफर्ट्स बींग टेकन, देर आर मैनी एफर्ट्स बींग टेकन टू सेफ गार्ड कोरल रीफ्स, ठीक है, हो गया। उसी को कोरल रीफ्स कहते हैं, अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया तो। क्या आपका नाम क्या है, ऑरेंज शर्ट, हाँ आपका नाम क्या है, आकर्षण, अरे वाह वाह आकर्षण, अरे वाह, आपको क्या हुआ, तो आकर्षण हुआ है, बहुत अच्छा, चलिए अच्छा नाम, सुंदर। चलिए लिख लिए नाइडोब्लास्ट के, और क्या लिखेंगे, और क्या पॉइंट लिखेंगे, कोरल रीफ को डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आते एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जेली फिश, हाइड्रा, एडम्सिया, सी पेन, ठीक, खत्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रुप क्या है, कितना हो गया, एक पैराग्राफ हो गया होगा, देखिए आराम से हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नाइडेरिया के बाद क्या आएगा, टीनोफोरा, टीनोफोरा को कोम जेलीज भी बोला जाता है, या सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, लिखे थे, लिखे थे। इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया देखी जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस जो जीव लाइट इमिट करते हो, जो प्रकाश छोड़ते हो, ये लिख सकते हैं ना, स्लाइड्स निकाल लीजिए, स्लाइड्स दिए ना, अपने अपने फोन पे स्लाइड्स खोल लीजिए, टीनोफोरा हो गया। टीनोफोरा में हमने क्या लिखा है, इसको सी वॉलनट या समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं, 8 रोज शरीर में 8 ब्राह्म पक्ष माभी कंकत पट्टिका, ओ माय गॉड, मत लिखो, उड़ा दो इसको सीधे, बाप रे बाप,
इतना बड़ा चीज़ है ये, याद रहेगा नंदन? कर लोगे? भूल जाओ। मतलब शरीर जो है ना, इसमें देखिएगा ना, तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे सेगमेंट्स जैसा, सेगमेंटेड नहीं है, बस बाहर से ठीक है ऐसा मिलता है। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, इसमें खाली लिखिए कि ये समुद्री अखरोट भी कहा जाता है या कॉम जेलीज। देखो कॉम जेलीज लिखा है ना, कॉम जेलीज, और ये सभी समुद्री जीव होते हैं और इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, ये देखिए बायोल्यूमिनेसेंस, जीव संदीप्ति, चलो मिल गया, जीव संदीप्ति, इतना कौन लिखो, बायोल्यूमिनेसेंस लिखो बात खत्म, अंग्रेजी में ही लिख लो। देखो बायो ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस सी ई होगा, स्पेलिंग गलत हो गया, सेंस, हाँ ठीक है ठीक है। बायो ल्यूमिनेसेंस मतलब, हाँ हाँ लिख सकते हो, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अब जीव संदीप्ति कौन याद रखेगा भाई, है ना, उतनी शुद्ध हिंदी भी एग्जामिनर भी बोलेगा अरे भाई ओह पसीना छूट गया नंबर दे दो। अब इतना लंबा ना, 8 ब्राह्म पक्ष भावी कंटक पट्टिका, मतलब एक स्पीड से जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं ना याद करने के लिए, जैसे लोरेंजो रोमानो अमीटो कार्लो वगैड्रो टी कॉरिका ए टी कोरेटो, ये क्या था पता है, अवोगैड्रो नंबर सुना है, अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो का पूरा नाम था। जब भी हमको गुस्सा आता है या कोई इरिटेट करता हम यही बोलते हैं, मीनिंग फिर से बोल दे, उसको रिपीट कर दें, लोरेंजो रोमानो अमीटो कार्लो अवोगैड्रो टी कॉरिका ए टी कोरेटो, कोई ज़्यादा तेज बनता था ना। हम लोग के दादाजी लोग क्या करते थे, सब कजन लोग एक साथ जमा हुआ तो 8-9 हो गए हम लोग, ठीक है। अब तो आपका जनरेशन तो 2 ही 3 कजन हो जाए वही बहुत बड़ा भाग्य है, 9 के 9 होते थे और उसमें दादाजी लोग बुला बुला के बेइज्जती करते थे, और लड़कियां उसमें सबसे अच्छी लड़की में घर में, ठीक है, और हमको होता था सबको नीचा दिखाना, ऐसे बुली करते थे लोग, तो बेटा इंग्लिश बोल के दिखाओ, लोरेंजो रोमानो अमीटो कार्लो अवोगैड्रो टी कॉरिका ए टी कोरेटो, ये कहता है अवोगैड्रो होता, वाह 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 बहुत सुंदर, वाह स्वाति नक्षत्र और क्या क्या सीपी मोती, भाई कज़न लोग सब बहुत बहुत पिटवाए हम लोग, ठीक है। तो यस, ये कुछ कुछ अपने तरकश में 1-2 तीर रखो, जब कोई ज़्यादा तेज मरे तो ये निकाल दो, ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग। चलो ज़्यादा कुछ हुआ तमिल बोलने लगो, है ना, मतलब तमिल या फिर जो लैंग्वेज कोई नहीं जानता है, या फिर कोई ऐसी अंदाजी, अगर तुम मतलब जर्मन में कोई बोलेगा हमको बोलने और हम बोल लेंगे ठीक ठाक, तो सबको वाव मूवमेंट होता है ना, अरे कौन है, जबकि गलत ही बोल रहे हैं, थोड़ी पता चल रहा किसी को। चलो हो गया, यहाँ पे क्या है, जीव संदीप्ति, यही 4 पॉइंट है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है, 4 लाइन 5 लाइन ही है इसमें, और इसका कोई मतलब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अभी हमको ख्याल नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत कम पाया जाता है, इतना सूक्ष्म होता है, देखिए ना कितना सूक्ष्म होता है, मतलब तट पे जो बायोलॉजिस्ट होगा वही देख पाएगा, देखो देख रहे हो बायोलॉजिस्ट को, ये कोई नहीं पहचान पा, कोई बोलेगा कि ये जीव है, कोई नहीं बोलेगा, तो जो बायोलॉजिस्ट है वो उसको पकड़ कर देखेगा ऐसे ऐसे करेगा, बोले समुद्र में इतना देर क्या कर रही थी, तो भैया यही सब कर रहे थे, ठीक है। तो आप तमिलनाडु के शोर पे जाइएगा, मरीना बीच है, ठीक है, वो सब जगह पे जाइएगा तो होगा, मिलेगा आपको, बहुत नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतना कचरा हो गया है ना, इतना प्लास्टिक हो गया है कि ये सब आपको दिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सिंगापुर के बीच पे आई कुड ईजिली फाइंड दिस, आराम से मिल जाता था, वो भी एक स्पेशल बीचेस के पास में, सभी बीच में नहीं मिलता ये, ऐसा क्यों, अगेन बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और प्लास्टिक मेजर प्रॉब्लम है। आपको पता है 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक के कण मिलने वाले हैं, तो क्या खाइएगा, प्लास्टिक,
तो प्लास्टिक बहुत ऐसा पॉलीमर, पता है प्लास्टिक की खोज कैसे की गई थी? ठीक है, जब आएगा एनवायरमेंट सेक्शन वहाँ पढ़ाएंगे, और स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी है ई सेक्शन, उसमें से कुछ पोर्शन मेरा है, वहाँ बात करेंगे। ठीक है, चलिए, कोम जेलीज हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें तो चार लाइन लिख लिए, एग्जाम्पल लिख दिए, सी वॉलनट और कोम जेलीज। ठीक है, यहाँ देखिए अंग्रेजी वाले यहाँ लिख सकते हैं बायोलुमिनिसेंस। हाँ देखो स्पेलिंग ठीक था, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिमिट टू एमिट लाइट, जीसस टाइप है ना, कोई ऐसे कोई आपको ज्ञान दे और लगे कि कोई महापुरुष से मुलाकात हुई, अरे तुम तो बायोलुमिनिसेंस कर रहा है, वो भी सोचेगा क्या बोल दिया हमको, या जीव संदिप्ति है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नर और मादा यहाँ अलग नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है यहाँ, सेक्सुअल मीन्स है। ठीक है, यहाँ देखो एक और मज़ेदार, यहाँ बोल रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट और सेक्सुअल मीन्स से हो रहा है, तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब नर और मादा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही जीव में नर भी है मादा भी है। ठीक है, और क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल हो गया ना, तो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और देखिए यहां पे मिल गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब क्या होगा, लार्वा मौजूद होगा। ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है कि मेरा लार्वा हुआ है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो शिशु बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, लार्वा किस में मिलेगा, जहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। अच्छा, आपको हम बता रहे थे बटरफ्लाई कुकून से फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से कुकून हुआ, प्यूपा हुआ एक और, फिर लार्जर प्यूपा, फिर तब जाके बटरफ्लाई होता है ना। तो इसकी स्टेज में तीन चार लार्वा अगर हो गया तो हर एक लार्वा को बोलते हैं क्या, हर एक कन्वर्ज, इसको बोलते हैं इनस्टार। क्या बोलते हैं, इनस्टार, इनस्टार, हिंदी वर्ड भी यही लिखेगा इनस्टार। तो कोई कोई जीव के चार पांच इनस्टार होते हैं, कि चार पांच लार्वा से गुजरेगा, डेवलपमेंट के पार्ट से गुजरेगा, तब जाके वो अडल्ट पेरेंट्स जैसा दिखना शुरू करेगा। ठीक है, जनरली इस आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया बट चलिए, यूपीएससी में पूछा था ये 2016। चलिए, तो वॉलनट हमारा सी वॉलनट हो गया, मतलब टीनोफोरा हो गया। ठीक है, आते प्लैटीहेल मींस चपटे क्रीमी, क्या हो गए, प्लैटीहेल मींस चपटे क्रीमी, इसको क्या बोलते हैं, इसको चपटे क्रीमी बोलते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, ये जलीय होते हैं, दीज आर एक्वेटिक इन नेचर, जलीय हुए, और साथ ही परपोषी होगा ना, परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स, दे आर एक्वेटिक एंड पैरासाइटिक इन नेचर। ठीक है, परजीवी और तो परपोषी क्या होता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये परजीवी होते हैं और ये जलीय होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। ठीक है, अब ये पैरासाइट कैसे हो गए, जब इनका बाकी जानवर जब आ गए इनके स्थान को छीनने लगे और बाकी जानवर आ गए तो ये उनके पेट में घुस गए गंदे पानी से या कुछ, तो वहाँ पे उनको रहने में मज़ा आने लगा, तो वहाँ सेट कर लेते हैं, भाई यहीं डेरा डालेंगे। ठीक है, गलती से आपके बॉडी में डेरा डाल लिए तो क्या होगा, कौन सा बीमारी, फाइलेरिया, टेप वॉर्म पाया जाता है, तो वो डिजीज़ नहीं होता है। डिजीज़ कब होता है, जब आपके शरीर से उसको, अब सांप आपके बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो उसको डिजीज़ बोलेंगे, सांप काट दिया तो कौन सा डिजीज़ हो गया, डिजीज़ तो नहीं बोलेंगे, बीमारी नहीं बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट, स्नेक बाइट, सांप काट दिया, है ना। तो ये अगर आपके अंदर घुस गए तो आप तो उसको तुरंत निकालिएगा ना, थोड़ी उसको रखे रहिएगा 10 साल, ठीक है, समझ रहे हैं। तो डिजीज़ नहीं होता इससे, क्या होगा, पैरासाइट है, इसको तुरंत हटाना होगा, ठीक। चलिए तो देखिए, दीज आर मोस्टली एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर मिलता है, अधिकांश, हाँ कहाँ गया है, अंतर परजीवी, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू, ठीक है। तो एंडो पैरासाइट शरीर के अंदर, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनुष्य, जानवर, कैट्स, बिल्ली विल्ली सबके पेट में भी होता है। किसके किसके घर में कुत्ता रखे हैं, कौन सा ब्रीड है, स्ट्रीट डॉग, अच्छा, तो उसको तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते होंगे, हाँ सुने हो डॉक्टर क्या बोलता है, अगर छोटा बच्चा है, पपी है, तो बोलता है डीवर्मिंग करना पड़ेगा। डीवर्मिंग सुने हो, डीवर्मिंग, डी मतलब हटा दिए और फिर वर्म, वर्मिंग, डीवर्मिंग मतलब उसके पेट में बहुत कीड़ा हो गया है, तो डीवर्मिंग करने के लिए उसको कुछ कुछ दवाई दिया जाता है ताकि उसके पेट में जो कीड़ा है मर जाए। तो जो कीड़ा होता है जनरली फ्लैट वर्म्स या फिर राउंड वर्म्स होते हैं, समझ गए, प्लैटीहेल मींस या एस्केल मींस से होते हैं, ठीक। आप लोग स्ट्रीट डॉग कौन कौन पाल रहे हैं, हाथ उठाइए, ठीक है। एक शेल्टर, अगर आप लोग कोई दिक्कत होगा हमको बताइएगा, एक शेल्टर है, ठीक है, उसमें भी हम लोग, और किसी को स्ट्रीट डॉग जिसको केयर करना चाहें तो हम लोग वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दो ग्रुप है हम लोग का, ठीक है। चलिए, अच्छा है, गुड टू नो। अब आ जाइए, डीवर्मिंग ऐसे लिख बता दिए। अब क्या है, इसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, क्या बोलेंगे, पुनर्निर्माण, इसमें पुनर्निर्माण क्षमता बहुत अत्यधिक होती है, लिख सकते हैं, हम लोग लिखे फ्लैट वर्म कहाँ होता है, तो जलीय होता है और अंतर्जीवी होता है, फिर लिखे कि ये इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता अत्यधिक होती है, इसीलिए इसे, दैट्स व्हाई इट हैज हाई रीजनरेशन, फ्लैट वर्म्स हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग स्टडीड, लिखिए, इट इज बीइंग स्टडीड इन स्टेम सेल बायोलॉजी, ठीक है, लिख लेंगे, इसीलिए इसको स्टेम सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, स्टेम सेल बायोलॉजी रिसर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है, बस ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, यही हम आपको बोल रहे थे, हर एक लार्वल स्टेज को हम इंस्टार बोल देंगे, समझ गए, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, इसी को इंस्टार बोलेंगे, बोलेंगे 5 इंस्टार है, तो मतलब 5 बार लार्वा में कुछ चेंजेस आया तब जाके एडल्ट जैसा दिख रहा है, 2 इंस्टार है मतलब 2 बार, ठीक है, समझे ना, गुजर दिमाग में, याद रहे ना रहे, कुछ लग गया तो लग गया, है ना। और एग्जाम्पल, टीनिया सोलियम, ठीक है, टेप वॉर्म, और ये किस में मिलता है, कच्चे सुअर के मांस में, ठीक है, या उसको ठीक से नहीं पकाओगे तो मिलेगा, और ये इतना बड़ा हो जाता है ना, एक हादसा हम अपने गांव का ही हम बता रहे हैं आपको, एक बच्ची थी बेचारी, वो कपड़ा धो के रखी थी अच्छे से, लेकिन फिर भी कहीं से कोई कीड़ा लग गया, उसका पेट एकदम फूलने लगा, गांव उसको बहुत कुछ बोला, उसकी मृत्यु हो गई, पेट पूरा फूल जाता है, ठीक है, और जब काट के देखा गया, रिम्स में वो एडमिट थी, दिस केस आई रिमेम्बर फ्रॉम देयर, देखा गया इतना सारा टेप वॉर्म था उसके पेट में। तो ध्यान रखें, कपड़ों को कहाँ पसार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो ये सब बहुत बहुत खतरनाक चीज़ होता है ये सब, ठीक है, जंगल वगैरह में हैं तो सावधानी के साथ थोड़ा रहें, और मांस वगैरह ये सब जो वेल कुक्ड होना चाहिए, अच्छे से कुक करके खाइए, हम तो कहेंगे कोई सभी, अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, अंडा वंडा से बचिए, चिकन से भी बचिए, उससे तो बचिए ही बचिए, ठीक है, यू कैन नॉट